हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एस एस की स्वादिष्ट दुनिया चैनल पे। आज की हमारी रेसिपी है काले चने के कबाब। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। काले चने के कबाब को बनाने के लिए यहाँ पे भीगे हुए काले चने लिए और चने की दाल को लिया है। यहाँ पे मैंने ड्राई धनिया लिया है, तेज पत्ता लिया है, सूखी लाल मिर्च ली है, अदरक ली है, प्याज ली है और यहाँ पे मैंने दालचीनी ली है और लौंग और बड़ी इलायची ली है, लहसुन लिया है। यहाँ पे हमने गैस पे कुकर को चढ़ा दिया है और इसमें अब हम मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। आप जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं वो आप डाल सकते हैं। तेल को गर्म हो जाने के बाद हम यहाँ पे प्याज को डालेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें पहले प्याज को डालेंगे। प्याज को हल्का भून लेंगे। प्याज हल्के से भुन चुकी है, अब हम इसमें तेज पत्ते को डालेंगे, बड़ी मिर्च डालेंगे और दालचीनी, अदरक, सारे खड़े गरम मसाले और लहसुन को डाल देंगे। इसको मैं एक मिनट तक भून लूँगी। ये देखिए एक मिनट हो गया है, मैंने इसको भून लिया है। अब मैं इसमें सूखा धनिया डालूँगी और नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा, मैंने अपने स्वाद अनुसार डाल दिया है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसको हमने मिक्स कर लिया, अब हम इसमें चने को डाल देंगे। इसको मैंने डाल दिया, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको एक मिनट तक के लिए भून लेंगे। हमने इसे एक मिनट तक हाई फ्लेम पे भून लिया, अब हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इसको ऐसे मिक्स करके कुकर में ढक्कन को लगा करके एक सीटी आने के बाद मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए पकाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, अब हम इसको खोल के देखते हैं कुकर को कि हमारे चने अच्छे से पके हैं या नहीं। ये देखिए दोस्तों, ये मेरे चने हैं और मैं इसको ऐसे आपको दिखाती हूँ। देखिए कितने अच्छे से पक गए। अब इसको मैं ठंडा होने के बाद ग्राइंड कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ठंडा हो गया। इसको हमने मिक्सी के जार में डाल दिया है, हम इसको ग्राइंड करेंगे। हाँ, एक बात आपको बताती हूँ कि आप जो तेज पत्ता इसमें डाला था आप उसको निकाल के बाहर कर दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसमें कटी हुई जो छोटी छोटी प्याज काटी थी उसको डाल देंगे और इसमें हरी मिर्च को भी डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी डालेंगे। अब हम इसमें लेमन जूस डालेंगे। आपको ना जितना खट्टा खाना है आप उस हिसाब से इसमें एडजस्ट कर सकते हो। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, अच्छे से मिक्स हो गया। इस कब हम कबाब बनाएंगे और कबाब बनाने से पहले हम हाथ में हल्का सा चिकने को लगा लेंगे ताकि ये चिपके नहीं, इस तरीके से, ठीक है। अब हम इसको इस तरीके से, जितने भी बड़े साइज का आपको लेना है आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा ये, और इस तरीके से हम सारे कबाब बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे सारे कबाब इस तरीके से तैयार हो गए हैं। अब हम इसको सेलो फ्राई करेंगे। यहाँ पे हमने पैन में देसी घी डाला है, आप जो भी ऑयल खाते हैं, जो भी आपकी चॉइस है आप डाल सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, घी गर्म हो गया है, अब हम इसमें कबाब को ऐड कर देंगे। यहाँ पे कबाब हमने पैन में ऐड कर लिया है, इसको धीमी धीमी आंच पे सेकेंगे, इसको तेज आंच में नहीं सेकना वरना ये जल जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये एक तरफ से सिक गया था, हमने इसको पलट लिया। अब दूसरी तरफ से भी हम इसी तरीके से धीमी धीमी आंच में सेक लें।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों तरफ से अच्छे से सिक गया। अब हम इसको एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। दोस्तों देखिए, ये कबाब बिल्कुल बन के तैयार हो गए, खाने के लिए रेडी हैं। आप इसको चटनी के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी खा सकते हैं। और हाँ, आप इसको एक बार बना के जरूर देखिएगा। आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, लाइक शेयर तो करिएगा ही, हाँ सब्सक्राइब करना तो फ्रेंड बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।